बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको डॉलर रेट और रियाल से अपडेट करूंगा जी। इस वीडियो में मैं आपके साथ रोज एक वीडियो शेयर कर रहा हूं इसी के मुतल्लिक, रियाल एंड डॉलर रेट के मुतल्लिक। तो भाई बहुत से कमेंट करते हैं, कल एक बंदे ने मुझे कमेंट किया, मैं आपको जिक्र कर चुका हूं एक भाई के कमेंट का कि जितने तुमने रियाल के ऊपर लगे हैं रियाल 100 के ऊपर पहुँचना चाहिए। और कल एक बंदा कमेंट कर रहा था जी कि मैं बोल रहा था कि 100 पर चला जाए। भाई मैं तो आपके साथ शेयर ही करूँगा ना, तो परदेशियों को इससे खुशी होगी। तो वो मुझे कमेंट कर रहा था कि भाई अल्लाह का नाम ले, 100 पर रियाल ना ही जाए तो बेहतर है, पाकिस्तान में महंगाई उतनी फिर बढ़ जाती है। सबसे पहले पाकिस्तान है जी। हम जाहिर सी बात है, सब पाकिस्तानियों को पाकिस्तान से प्यार है और सबसे पहले है ही पाकिस्तान। लेकिन मैं सिर्फ न्यूज़ शेयर करता हूँ आप परदेसी भाइयों के लिए। तो रियाल रेट आपके साथ अपडेट करता हूँ, वो रियाल रेट जैसे जैसे अप होता है, ये तो कन्फर्म बात है। मैं भी सऊदी में जैसा कि हूँ, तो भाई ये तो कन्फर्म बात है कि रियाल जैसे जैसे अप होता है हमें खुशी तो होती है इससे, ये कन्फर्म बात है। पहले 2000 बेचते थे 50,000 बनता था, अभी 2000 बेचते 1,00,000 बन जाएगा, अभी 1,20,000 बन जाएगा, तो फिर मजीद खुशी होगी। हाँ, पाकिस्तान में महंगाई उस हिसाब से होती है, लेकिन आपकी सैलरी उस हिसाब से बढ़ जाती है। अगर आप सोचें तो कैसे, पाकिस्तान में अगर कोई चीज महंगी हुई है उस हिसाब से रियाल अप हुआ है, आपकी सैलरी ऑटोमेटिकली पहले 50 थी, अभी हकीकत बात है जिन बंदों की 2000 आज से 8 साल पीछे की बात करें तो 2000 के 50-55,000 बनते थे, अभी बन रहे हैं 1,00,000, और अब सैलरी बढ़ गई है, नहीं खुद पे खुद बढ़ जाती है। महंगाई का असर जो आउट ऑफ कंट्री बंदे होते हैं उनके ऊपर नहीं होता है, ये इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सोच लीजिएगा, आप खुद से आपको समझ आ जाएगी। बहरहाल पहले आपको मैं यहाँ पर डॉलर रेट बता दूँ, 185.97 रुपये हो चुका है। ये मैं आपको भाई एक्सचेंज रेट बता रहा हूँ स्टेट बैंक की तरफ से 4-5 दिन से, यानी कि स्टेट बैंक मंडे वाले दिन ओपन होगा, उस टाइम उस दिन फिर कन्फर्म रेट आएगा। लेकिन ये कन्फर्म है एक्सचेंज रेट 185.97 रुपये हो चुका, जो कि कल 185.69 रुपये था। अगर रियाल रेट के मुतल बात करें तो एक्सचेंज रेट इस यहाँ पर ये भी बढ़ चुका है, देख लें 49.58 रुपये हो चुका है, कल ये 49.52 रुपये था। अभी मैं मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से आपको बता देता हूँ मैं क्या रेट वगैरह इनके चार रखे हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं राजीव बैंक की, तो 49.05 रुपये रेट हो चुका है इनका, और 10 रुपये फीस है बढ़ चुका है इनका रेट भी। यूनियन वेस्टर्न यूनियन की बात करें तो 49.10 रुपये रेट हो चुका है और 10 रुपये फीस है। एंड मनीग्राम की बात करें तो 49.24 रुपये रेट दे रहे हैं इस वक्त ये 10 रुपये फीस के साथ। और टैली मनी ANB बैंक की बात करें तो भाई इनका 49.02 रुपये रेट चल रहा है 15 रुपये फीस के साथ। और फौरी बैंक बैंक अल जजीरा की बात करें तो 49.08 रुपये। एंड STC पे की बात करें तो 49.09 रुपये। और अगर इंजाज बैंक की बात करें तो इंजाज बैंक भाई 49.15 रुपये रेट है, यानी कि 49.15-20 के अराउंड में चल रहा है, 49 ही बोल रहे हैं इस वक्त बैंकों में रेट चल रहा है। एक्सचेंज रेट 49.60 तक पहुंच चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है जी इतवार वाले दिन बैंक ओपन होंगे और मंडे वाले दिन या इतवार वाले दिन जो आपका रेट शेयर करूंगा वो उस टाइम तक बैंकों में ये 50 के करीब पहुंच चुका होगा। बाकी आने वाले दिनों में देखा जाएगा, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा।